आज मैं इस इंडक्शन कुकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा किस तरह से रिपेयर किया जाते हैं। ये देखिए सिर्फ E0 दिखा रही है और कुछ नहीं काम कर रही है। चलो इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सारे स्क्रू खोल लिया, इसके बाद कूलिंग फैन का भी स्क्रू खोल लेता हूँ और चेक करूँगा कि कूलिंग फैन सही है या डैमेज हो चुकी है। ये देखिए ये जो PF लगा हुआ है बोट कर्व पर, वो PF जल चुकी है, देखिए ब्लास्ट हो चुकी है, ये यहाँ पर क्रैक आ गया। देखिए इस PF को चेंज करके मैं फिर से इस बोर्ड को चेक करूँगा कि इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम है क्या, और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए बोर्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए। चलो इस PF को पहले खोल लेते हैं और नया वाला PF लगा लेते हैं। नया PF लगा के फिर से चेक करूँगा कि इस बोर्ड के अंदर और कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं देखिए किस तरह से क्रैक आ गया, ये ब्लास्ट हो चुकी है ये PF। चलो ये नया वाला को लगा लेते हैं। लोग वीडियो देख के चले जाते हैं भाई, कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, आप लोग को ऐसा मत करना भाई। ये वीडियो ख़त्म करके जाना भाई, नहीं ख़त्म किया तो समझ में नहीं पाओगे इसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो समझ में नहीं पाओगे। ये वीडियो पूरी ख़त्म करके जाना। चलो इस PF को फिटिंग कर लिया, इसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। और मैंने इस कूलिंग फैन को चेक किया था, कूलिंग फैन भी डैमेज हो चुकी थी, मैं नया वाला कूलिंग फैन डाल रहा हूँ। इस कनेक्शन को अच्छी से देख लेना पहले खोलने से पहले, क्योंकि कनेक्शन गलत हो गया तो ये बोर्ड फिर डैमेज हो सकती है। चलो इसका स्क्रू को फिटिंग कर लेते हैं। मैं एक बार स्क्रू लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हूँ कि ये हीट हो रही है कि नहीं, इसके ऊपर पानी देके चेक करूँगी कि ये पानी उगल रही है कि नहीं। देखिए किस तरह से गर्म हो गया और उगलने लगा। चलिए बढ़िया काम कर रही है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्या क्या मैं चेंज किया। चलो इसको नमा लेते हैं। ये देखिए एक कूलिंग फैन और इसका PF ये दोनों डैमेज था, इसलिए इसका प्रॉब्लम आ रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई।